एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग के सामने और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटेजर टू मैक इट ए टू स्टेटमेंट। यहाँ पे कोई इंटेजर्स डालना है, कोई ऐसा नंबर डालना है कि ये इक्वेशन जो बन रहा है वो इक्वेशन कम्प्लीटली ट्रू हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग एक्स मान के चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 का ए और बी पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे -3 इंटू एक्स इक्वल टू 27। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे -3, तो ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स रखते हैं और यहाँ पे 27 बाय -3। तो यहाँ से ये कट गया, 3 कितने बार में गया, 9 3 27, तो 9 बार में कट गया। ये माइनस जो है साथ में रहेगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9। तो यहाँ पे हो जाएगा -9। -9 रखने से हम लोग को ये कंप्लीट ट्रू हो जाएगा इक्वेशन। तो -9 ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। उसी तरह से यहाँ पे बी में 5 इंटू यहाँ पे एक्स रखते हैं और यहाँ रखते हैं -35। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स इधर रहेगा और 5 उधर जाएगा, -35 और बाय 35 हो जाएगा। तो ये कितने बार में कट गया, 5 7 35, 7 बार में। तो ये माइनस रहेगा तो -7, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे हो जाएगा -7 यहाँ पे, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका और दो पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सी और डी पार्ट है। तो यहाँ पे एक्स रखते हैं, एक्स इंटू -8 इक्वल टू -56 ये है। तो ये दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू -56 बाय -8। तो ये माइनस माइनस जो रहता है वो भी कट जाता है, तो माइनस माइनस खत्म हो गया। और यहाँ पे 5 मतलब 8 7 जा 7 बार में जाता है, तो 8 7 जा 56 हो गया। तो इसमें माइनस खत्म हो गया तो ओनली 7 रहेगा इसमें। तो यहाँ पे 7 इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा 7, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे उसी तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं x x और यहाँ पे मल्टीप्लाई -12 इक्वल टू 132। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x रखते हैं और यहाँ पे 132 और ये माइनस नीचे में आ गया 12। तो 12 से क्या ये कट रहा है, 12 से 12 1 जा 12 यहाँ पे कट गया और फिर यहाँ पे बच गया 1। तो यहाँ पे 12 हो गया, तो 12 1 जा 12 11 बार में कट गया, ये माइनस रह गया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, -11। तो यहाँ पे आ जाएगा -11 ये हो गया और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 पूरी तरह कंप्लीट हो जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे।